आज का हमारा मौजू है 35 फैक्ट्स एंड 51 पिक्चर्स ऑफ अल्लामा इकबाल। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एक लोअर मिडिल क्लास माँ बाप के यहाँ पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को शायर, राइटर, फिलासफर, सियासतदान, बैरिस्टर और शायर इस्लाम की हैसियत से याद किया जाता है। अल्लामा साहब को दो कौमी नज़रिया का बानी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल साहब की ज़िंदगी के 35 हकायक पेश खिदमत है। नंबर 1, अल्लामा इकबाल नवंबर 9, 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। नंबर 2, उनका मुकम्मल नाम मोहम्मद इकबाल था। वो अल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर हैं। अल्लामा से मुराद है ग्रेट स्कॉलर। नंबर 3, अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आप एक मजहबी ख़ानदान से तल्लक रखते थे और मौलाना रूम आपकी पसंदीदा शख्सियत थी। आपके आबाओ अजदाद का तल्लक कश्मीर से था। नंबर 4, अल्लामा इकबाल की वालदा अमाम बीबी का तल्लक सियालकोट की एक कश्मीरी फैमिली से था। नंबर 5, अल्लामा इकबाल की तालीम की तफसील कुछ यूँ है। स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट से मैट्रिक किया और स्कॉच मिशन कॉलेज से एफए किया। नंबर 6, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए का इम्तहान पास किया। नंबर 7, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फिलासफी का इम्तहान पास किया। नंबर 8, लॉ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड, इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री ली। नंबर 9, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनख जर्मनी से PhD की। PhD में आपका मुकाला था द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। नंबर 10, GC कॉलेज लाहौर में एक प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात दी। नंबर 11, 1908 में उनकी पहली नज़मों की किताब असरार खुदी शाया हुई। नंबर 12, अल्लामा इकबाल का नाम एक शायर की हैसियत से पूरी दुनिया में जाना जाता है। नंबर 13, आपकी पहली नसर की किताब का नाम इल्मुल अक्तसाद है। नंबर 14, फारसी शायरी की किताबों के नामों की तफसील कुछ यूँ है। असरार खुदी, रमूज खुदी, प्याम मशरक, जबूर अजम, जवेद नामा, मुसाफर वगैरह वगैरह। नंबर 15, उर्दू शायरी की किताबों की तफसील कुछ यूँ है। बांगे दुरा, बाले जिब्रील, ज़रब करीम। नंबर 16, फारसी प्लस उर्दू शायरी, अरबगान हिजाज। नंबर 17, अंग्रेज़ी की तसानीफ की तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1, दी डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। नंबर 2, दी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। नंबर 3, मैनी लेटर्स रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 18, तसवरात व नजरियात, खुदी, अकलोइश्क, मर्द मोमन, वतनीत व कौमियत, इकबाल का तसवर तालीम, इकबाल का तसवर औरत, इकबाल और मगरबी तहजीब, इकबाल का तसवर इबलीस, इकबाल और इश्क रसूल। 19, अल्लामा शाह एक बहन और 3 भाई रखते थे। नंबर 20, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के अल्लामा साहब मेंबर रहे। नंबर 21, 1927 में अल्लामा साहब ने खुतबा अलाहाबाद में दो कौमी नज़रिया पेश किया। नंबर 22, अल्लामा साहब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के करीबी दोस्त थे। नंबर 23, अल्लामा साहब औरतों के हकूक के अलमदार थे। नंबर 24, अल्लामा साहब की 3 बीवियां थीं। उनकी बीवियों के नाम की तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1, करीम बीबी। नंबर 2, सरदार बेगम। नंबर 3, मुख्तार बेगम। नंबर 25, अल्लामा साहब के 3 बच्चे थे जिनके नाम कुछ यूँ हैं। नंबर 1, आफ्ताब इकबाल। नंबर 2, जवेद इकबाल। नंबर 3, मराज बेगम। नंबर 26, अल्लामा साहब रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन के मेंबर थे। नंबर 27, अल्लामा साहब जमहूरियत के हामी थे। नंबर 28, अल्लामा साहब ने खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट की थी। नंबर 29, अल्लामा साहब ने अंजमन हमायत इस्लाम के सदर की हैसियत से खिदमात सरंजाम दी। नंबर 30, अल्लामा साहब आवाम को तलीम व तरबियत
देने के हक में थे। नंबर 31, अलामा साहब जंग को पसंद नहीं करते थे, अमन के दाई थे। नंबर 32, अलामा साहब खुदी के नज़रिया के बानी हैं। नंबर 33, अलामा साहब ने तकरीबन 12,000 अशआर उर्दू और फारसी में लिखे। नंबर 34, अलामा साहब की शायरी का तर्जमा इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और चाइनीज जबान में हो चुका है। नंबर 35, अलामा साहब को गले का कैंसर हुआ 21 अप्रैल 1938 को 60 ईयर्स की उम्र में वफात पा गए और उन्हें बादशाही मस्जिद के अहाता में दफन किया गया। अलामा साहब की इस्लाम और मुस्लिम यूनिटी के लिए बेशुमार खिदमात हैं। अलामा साहब की ज़िंदगी की बचपन से लेकर मौत तक की अहम और नायाब 51 पिक्चर्स पेश खिदमत हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल TSC तारक सर चैनल एंड माई यूट्यूब चैनल TSC तारक स्टडी चैनल शॉर्ट्स। थैंक यू।